की असेंबलियों और कौमी असेंबली के अराकीन आज हल्फ उठाएंगे। पंजाब असेंबली का अजलास परसों होगा। नौ मुंतखब अराकीन के 17वें अजलास का शेड्यूल तैयार। 15 अगस्त को स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल नौ मुंतखब अराकीन असेंबली से हल्फ लेंगे। अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली भी तैयार। हल्फ बर्दारी खत्म होते ही धांधली के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पंजाब में तहरीक इंसाफ नंबर गेम की दौड़ में सबसे आगे। पीटीआई और इत्तेहादियों का स्कोर 199 पर पहुंच गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के 171 नंबर। पंजाब के 3 हलकों में इलेक्शन मुलतवी। 3 के नतायज रोके गए। महकमे सेहत के मुलाजमीन की ईद का लुत्फ दोबाला हो गया। सैकड़ों सीनियर नर्सेज के प्रोफेशनल अलाउंस की मंजूरी। 1 जुलाई 2017 से तमाम वाजिबात के साथ प्रोफेशनल अलाउंस मिलेगा। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए सेशन कोर्ट में दरख्वास्त जमानत वालों का रश लग गया। सेशन जज ने जमानतों की दरख्वास्तें जल्द निपटाने के लिए मजीद 10 जजेस को ड्यूटी सौंप दी। साफ पानी स्कैंडल मुलजिम राजा कमरुल इस्लाम और वसीम अजमल के खिलाफ केस पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन केस पर समाअत करेंगे। नैब की जानिब से मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। कल 14 अगस्त कौम आजादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश। शहर का कोना कोना सज गया। हर सू सब्ज हलाली परचमों की बहार। छोटे बड़े बुजुर्ग की एक ही दुआ, खुदाया मेरे वतन को सलामत रखना। और चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा बुध 22 अगस्त को होगी। ऐलान भी हो गया। अब है कुर्बानी का जानवर खरीदने की बारी। बकरा, छतरा, दुम्बा और बैल, ऊंट भी हैं बेशुमार। शहर की 7 मवेशी मंडियों में रौनकें लग गई। व्यापारियों के मुंह मांगे दाम। शहरी कीमतें सुनकर हैरान।